हेलो गाइस, मेरा नाम है अविनाश कुमार और मैं स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल फिटनेस इज इजी पर। तो जो आज की वीडियो होने वाली है वो रहेगी चेस्ट प्लस ट्राइसेप्स वर्कआउट, एक साथ कवर करेंगे दोनों चीज़ को। मैंने लास्ट वीक एक वीडियो बनाई थी जो फुल वीक वर्कआउट प्लान रहा था, जिनको मसल गेन करना था या अपना वेट गेन करना था। जैसा कि मैंने उसमें बताया था कि आपको डेली जिम नहीं जाना होता और पूरी बॉडी पार्ट कवर करना होता है, तो उसी सीरीज़ का ये पहला पार्ट है जिसमें आपको चेस्ट के साथ ट्राइसेप्स कवर करने हैं। और एक्सरसाइज बताऊँगा कौन कौन सी करनी है। 4 एक्सरसाइज मेरी चेस्ट की रहेंगी, 3 ट्राइसेप्स की रहेंगी, तो यही पूरा कंप्लीट वर्कआउट रहेगा। तो उससे पहले आपको एक छोटा सा काम करना है, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिए उसे सब्सक्राइब, साथ में मिलेगा बेल आइकन, जाके प्रेस कीजिए और उससे मेरी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। जो भी फिटनेस से रिलेटेड या बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है आपको मिलती रहेंगी और आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो गाइस, जो पहली एक्सरसाइज रहने वाली है वो बारबेल प्रेस रहेगी, बेसिक एक्सरसाइज है। तो और इसमें हमें वही जो मैंने बताया है कि चेस्ट की 4 से 5 एक्सरसाइज लेनी है, ज़्यादा नहीं लेनी है। तो पहली उसमें बारबेल प्रेस रहेगी, वो भी इंक्लाइन पे, क्योंकि जो अपर चेस्ट का जो पार्ट होता है वो जिसे अच्छे से ट्रेन करना चाहिए। तो चलिए करते हैं। ये आप अपने ग्रिप जो देखिए अपने शोल्डर से वाइड रखनी है। यहाँ पे मैं बिना वेट के इस रोड को ले रहा हूँ क्योंकि ये जिम का टाइम नहीं है मेरे, तो जस्ट आपको शो करने के लिए ले रहा हूँ। तो जो इसकी जो ट्रिक है वो कैसे करनी है, इसको अपर चेस्ट पे टच करना होता है। ये जब इसे नीचे लाते हो तो हल्के हल्के से, और जब इसे ऊपर लिफ्ट करते हो तो थोड़ा तेजी से कर सकते हो। इसके आपको 4 सेट लगाने हैं, 4 सेट लगाने हैं, वो भी आपके 12 रैप होने चाहिए। तो ये रहेगी पहली एक्सरसाइज इंक्लाइन पे। तो गाइस, जो सेकंड एक्सरसाइज रहने वाली है वो बारबेल प्रेस रहेगी फ्लैट बेंच पे। तो ये भी सेम तरीके से आपको करनी है, देख लेते हैं कैसे कर लेते हैं। ग्रिप जैसे मैंने बताया शोल्डर से वाइड रखनी है, अगेन इसे आपको अपनी चेस्ट तक ले जाना होता है, ऐसे आपको ऊपर ही ऊपर नहीं करना होता, चेस्ट तक टच कीजिए और मिडिल चेस्ट पे टच होना चाहिए। ये भी आपकी मिडिल चेस्ट के लिए है। इसके जो आपके रैप्स रहेंगे 10 से 12 रैप्स रहेंगे, 4 सेट रहेंगे। ये सेकंड एक्सरसाइज थी आपकी। तो गाइस, जो थर्ड एक्सरसाइज रहने वाली है वो डंबल फ्लाई रहेगी इनक्लाइन पे। तो इसे देख लेते हैं, कोई भी वेट अपने अकॉर्डिंग लेना है। करने की ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ, आपको नीचे से पुश करना है, देन डंबल स्ट्रेट टू योर चेस्ट और फिर इसको फ्लाई में। आपकी एल्बो को ज़्यादा नीचे ले जाना होता है, आपको ऐसे हाथ नीचे नहीं ले जाने होते। और जब आप इसे ऊपर मिलाते हो तो चेस्ट वाला पार्ट स्क्वीज करना होता है। तो ये आपकी डंबल फ्लाई रहेगी, थर्ड एक्सरसाइज रहेगी, और इसके रैप्स आपको 12 रैप्स और 4 सेट लगाने हैं। तो गाइस, जो अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, 4th एक्सरसाइज, वो रहेगी फ्लैट बेंच पे डंबल फ्लाई अगेन। ये मिडिल चेस्ट के लिए रहेगी, पोजीशन सेम रहनी है जैसे इंक्लाइन पे थी। देख लेते हैं एक बार कैसे करते हैं। सेम डंबल आपको अपनी चेस्ट के स्ट्रेट रखनी है, देन फ्लाई, बस स्क्वीज जरूर करना है आपको, जो भी पार्ट मारना होता है उसे स्क्वीज जरूर करें। तो ये हमारी 4th एक्सरसाइज रहेगी, इसके आपको वही 12 रैप्स एंड 4 सेट्स। तो गाइस, ये 4 एक्सरसाइज लिए मैंने चेस्ट की, क्योंकि अभी हमें 2 पार्ट कवर करने हैं, मतलब चेस्ट के साथ हमें ट्राइसेप्स कवर करने हैं। और मैंने जैसे कि बताया भी अपनी एक वीडियो में, अगर आप चेस्ट को ट्रेन करते हो तो आपके ट्राइसेप्स पे भी इफेक्ट आता है। तो अब 4 एक्सरसाइज मैंने चेस्ट की कर ली और 3 एक्सरसाइज करूँगा मैं अपने ट्राइसेप्स की, तो आपकी टोटल 7 एक्सरसाइज हो जाएंगी। तो चलिए करते हैं अब ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज। अगर आपको लोअर बैक की एक्सरसाइज लोअर चेस्ट की एक्सरसाइज करनी है तो आप डिक्लाइन पे कर सकते हैं, बट मैंने कभी आज तक की नहीं है, मैं प्रेफर करता हूं क्योंकि जो इफेक्टिव पार्ट है चेस्ट का वो अपर और मिडिल चेस्ट है। तो चलते हैं अपनी ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज की तरफ। तो वही एक्सरसाइज कंसिडर करेंगे जो ज़्यादा इफेक्टिव रहेंगी, तो चलते हैं। तो गाइस, चलते हैं अपनी पहली एक्सरसाइज जो ट्राइसेप्स की रहने वाली है आफ्टर चेस्ट। तो जो हम लेंगे वो हमें ऐसी एक्सरसाइज लेनी है, क्योंकि अब हम 5 से 6 एक्सरसाइज नहीं लगाने वाले और ना ही हम कोई पर्टिकुलर पार्ट कंसीडर कर रहे हैं। तो चेस्ट के साथ ट्राइसेप्स ले रहा हूँ, तो मुझे अब ट्राइसेप ऐसी एक्सरसाइज लेनी है जो ज़्यादा इफेक्टिव रहे। तो सबसे पहले लेता हूँ मैं रोप, तो इसे देख लेते हैं कैसे करते हैं। तो ये पुली पर रहने वाली है, ये काफ़ी इफेक्टिव है, इसमें लाइट वेट पर ही आपको काफ़ी हैवी वेट लगता है, तो वेट अपने अकॉर्डिंग देखें। तो इसमें देख लेते हैं कैसे करते हैं। आपका जो एल्बो से ऊपर का पार्ट है वो बिल्कुल आपको फिक्स रखना है,
और जो एल्बो से नीचे का पार्ट है वही मूव कराना है, और आपका टोटल इफेक्ट आपके ट्राइसेप्स पे आना चाहिए। आप अपनी चेस्ट को थोड़ा आगे से बाहर निकाल के रखेंगे, कमर आपकी स्ट्रेट रहनी चाहिए, और इसके रैप्स जो आपको लगाने हैं वही आपको 12 से 15 के बीच आप अगर रैप लगा लो तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और ये पहली एक्सरसाइज रहेगी। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, सेट आपको चार लगाने हैं। तो जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो भी पुली पर रहने वाली है। इसमें जो लास्ट एक्सरसाइज में हमने रोप लिया था उसकी जगह आप ये ले सकते हैं, अगर आपके जिम में ये नहीं है तो रोप इससे भी लगा सकते हैं। इसको आपको कैसे करना होगा देख लेते हैं। आपको अपना एक पैर पीछे और एक आगे ऐसे करके रखना है, देन आपको और इसको अपने आपके सिर के पीछे से ले जाना है। सर वाला जो पार्ट अपना नीचे रखना है, एल्बो को अपने सर से टच करके रखेंगे, देन इसे पीछे, जितना पीछे ले जा सकते हैं उतना पीछे ले जाइए, और आगे पूरा इसे स्ट्रेट करना होता है, अपने मतलब हाथों को पूरा सीधा खोलना होता है। ये काफ़ी इफेक्टिव एक्सरसाइज है ट्राइसेप्स की। तो ये हमारी सेकेंड एक्सरसाइज रहेगी ट्राइसेप्स के लिए। इसमें आपको रैप्स अगेन 12 से 15 के बीच सेट्स आपके चार रहेंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी ट्राइसेप्स की लास्ट एक्सरसाइज की तरफ। तो गाइस जो थर्ड एक्सरसाइज है वो ट्राइसेप्स के लिए, उसके लिए हमें लेना है एक डंबल लेना है। जैसे आप वन आर्म डंबल में करते हो पोजिशन आपकी वो रहनी है, उसकी जगह ट्राइसेप्स कैसे मारना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जैसे वन आर्म डंबल में आप पोजिशन बनाते हो बिल्कुल वही सेम पोजिशन रखनी है। उसके बाद डंबल आपको लेना है, उसके बाद आपको जो ये एल्बो का पार्ट है पहले से आप पूरा ऐसे कर लेंगे, उसके बाद इसे आपको सीधा करना होता है पीछे की तरफ। ये कंप्लीट जो इफेक्ट रहेगा आपके ट्राइसेप्स पे रहेगा। इसे आपको कोई ऐसे नीचे वगैरह नहीं करना, सीधा बस एल्बो को 90 डिग्री पर रखें, देन इसे पीछे की तरफ सीधा करना है। सेम पोजिशन आपको लेफ्ट हैंड से करनी है, और यही तीन एक्सरसाइज आप करें अगर आप चेस्ट के साथ ट्राइसेप ट्रेन कर रहे हो तो काफ़ी इफेक्टिव रहती है एक्सरसाइज। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कीजिए लाइक और चैनल सब्सक्राइब एंड शेयर भी करें। चलो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी वर्कआउट के साथ।